हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय रश्मि। आज इस वीडियो में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस की कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें इस चैनल पर मैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड करती रहती हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली हैं, और ग्रेजुएशन लेवल पर भी ये आपकी हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल्स ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इससे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस कर चुके हैं, वो लास्ट वीडियो थी। तो अगर आपको कोई हेल्प लेनी है या उस वीडियो को देखना है तो आप नीचे लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जस्ट यूट्यूब पर इजी इकोनॉमिक्स बाय रश्मि टाइप करिए, वहाँ मेरी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो जो वीडियो आपको देखनी हो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल्स ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो नॉर्मली आपके बोर्ड एग्जाम्स में आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, द प्रॉब्लम इज, ये फर्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, गिवन बिलो इज द यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ अ कंज्यूमर फॉर कमोडिटी एक्स, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ₹6 पर यूनिट। प्राइस कितना है इसका? 6 पर यूनिट। हाउ मैनी यूनिट्स शुड द कंज्यूमर परचेज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन? Assume that utility is expressed in utils and one util is equal to ₹1। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि एक यूटिलिटी शेड्यूल गिवन है एक कंज्यूमर का जो एक्स कमोडिटी को कंज्यूम करता है। इस कमोडिटी का प्राइस है ₹6। तो हाउ मेनी यूनिट्स द कंज्यूमर परचेज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, कि कितने यूनिट वो परचेज करेगा जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो वन यूटिल इज इक्वल टू वन यूनिट दिया हुआ है, तो वन यूटिल इज इक्वल टू ₹1। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन कहाँ उसे मिलेगा? तो हम अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर आ जाते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये क्या था आपका? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू MU इज इक्वल टू प्राइस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ MU प्राइस के बराबर होगा, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन थी MU डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUM। तो हम पहले फर्स्ट कंडीशन ही अपनी देख लेते हैं कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वहीं पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो हम प्राइस देख लेते हैं, प्राइस कितना था? 6, और MU हमारे पास है। तो हम ये देख लेते हैं कि किस यूनिट पर MU इज इक्वल टू प्राइस है। तो प्राइस 6, MU देखिए 6 का है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में यहाँ पर फोर्थ यूनिट पर MU इज इक्वल टू प्राइस हो गया है इस यूनिट पर। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? ये फोर्थ यूनिट पर, क्लियर। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन यहीं पर फुलफिल हो जाती है, MU इज इक्वल टू PX, या MUX इज इक्वल टू प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। तो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस कहाँ पर इक्वल है? फोर्थ यूनिट पर। तो कंज्यूमर कितनी कमोडिटी परचेस करेगा? 4। तो एक्स की 4 यूनिट परचेस करेगा कंज्यूमर, और इससे कम क्यों नहीं परचेस करेगा? क्योंकि यहाँ पर प्राइस MU से कम है, मतलब उसे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है। तो कंज्यूमर अभी कंजप्शन अपना इंक्रीज रखेगा, और बाद में क्यों नहीं परचेस करेगा? क्योंकि यहाँ पर MU प्राइस से कम है, मतलब यूटिलिटी से प्राइस के अकॉर्डिंग कम मिल रही है। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर अपना कंजप्शन कम कर देगा, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? फोर्थ यूनिट पर, क्लियर। तो हमें कंडीशन अपनी देखनी है, क्वेश्चंस में अपनी कंडीशन देखनी है कि कहाँ हमारी कंडीशन फुलफिल होती है, और वही हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सपोज डैट एन आइसक्रीम इज सोल्ड फॉर ₹30, लक्ष्मी हु लव्स आइसक्रीम हैज ऑलरेडी ईटन 3। हर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईटिंग थर्ड आइसक्रीम इज 90 यूटिल्स
If MU of rupee 1 is 3 utils, ये utils, should she eat more ice cream or should she stop? तो यहाँ पर है कि आइसक्रीम है 30 रुपीज़ की, इसका प्राइस कितना है 30। लक्ष्मी जिसे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, उसने 3 आइसक्रीम ऑलरेडी कंज्यूम कर चुकी है वो, और उसकी माजरे यूटिलिटी 3rd आइसक्रीम पर है 90 यूटिल्स। जैसे हमने यहाँ टेबल लिया था तो ऐसे ही 3rd यूनिट पर उसकी यूटिलिटी कितनी देर की है 90। इफ़ एम यू ऑफ 1 रुपी इज इक्वल टू 3 यूटिल्स, यहाँ एम यू 1 के बराबर कितना है 3 यूटिल, तो हमें पूछा है कि क्या वो आइसक्रीम और कंज्यूम करेगी या फिर वो कंज्यूम करना बंद कर देगी। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं वापस। हमारे पास ये दो कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। वन इज व्हेन MUX इज इक्वल टू PX, जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों इक्वल हो जाए। सेकंड हमारे पास कंडीशन है व्हेन MUX डिवाइड बाय PX इज इक्वल टू MUM, जब मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइड बाय प्राइस आपके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल हो। तो ये दोनों कंडीशन हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशन यहाँ पर वैरी करेगी, कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी। तो फर्स्ट कंडीशन है MUX इज इक्वल टू PX, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। तो हमारे क्वेश्चन में प्राइस गिवन है, या हमारे क्वेश्चन में प्राइस तो गिवन है बट मार्जिनल यूटिलिटी गिवन नहीं है, या हमें केवल थर्ड कमोडिटी की यूटिलिटी गिवन है जो है 90 यूटिल्स, लेकिन हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सेकेंड आइसक्रीम पर यूटिलिटी कितनी मिली थी और थर्ड पर उसकी 90 है, कैसे आई थर्ड पर, तो वो हमारे पास नहीं है। ये गिवन है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास थर्ड आइसक्रीम की है 90। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास गिवन है, उसके लिए सॉरी वो बीच में मिस्टेक हो गई थी। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास है थर्ड आइसक्रीम की 90 यूटिल्स और प्राइस हमारे पास गिवन है 30। अब हम देख लेते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी 90 वो गिवन है हमारे क्वेश्चन में, और प्राइस कितना था 30 एक आइसक्रीम का, उसने कितनी आइसक्रीम कंज्यूम की 3, तो कितना हो गया 90, मतलब कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। इट मीन्स सी विल नॉट कंज्यूम एनी मोर आइसक्रीम एनी एडिशनल यूनिट, वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम नहीं करेगी क्योंकि उसकी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। MUX इज इक्वल टू प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी हमारे क्वेश्चन में थी 90 थर्ड यूनिट की और प्राइस एक आइसक्रीम का 30 था, 3 वो कंज्यूम कर चुकी है, मतलब कितना प्राइस हो गया टोटल 90। तो MUX इज इक्वल टू प्राइस हो गया है, तो अब वो आगे आइसक्रीम कंज्यूम नहीं करेगी। सेकेंड कंडीशन से भी हम देख लेते हैं MUX डिवाइडेड बाई PX इज इक्वल टू MUM। तो यहाँ पर हमें MUM गिवन है, कितना था 1 रुपी इज इक्वल टू 3 यूटिल्स, तो यहाँ पे हमें MUM गिवन है 3। MUX कितना था 90 मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस कितना है एक आइसक्रीम का 30, तो 30 से 90 को हम डिवाइड कर देंगे तो 3 इज इक्वल टू 3, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस कंडीशन से भी ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, तो इसलिए वो आगे और कोई आइसक्रीम कंज्यूम नहीं करेगी। MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, PX मतलब प्राइस, दोनों चीज़ें हमारे क्वेश्चन में थी, मार्जिनल यूटिलिटी 90, प्राइस हो गया 30। MUM भी हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि 1 रुपी इज इक्वल टू 3 यूटिल्स, तो ये भी हमारे क्वेश्चन में गिवन था, तो वहाँ से अगर हम इसे पुट कर लेते हैं तो LHS इज इक्वल टू RHS, और यहाँ पर भी हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन को वैरी करता है, पूरी करता है, फुलफिल करता है, तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है तो वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगी कंजप्शन करना। क्लियर? तो ये थी हमारी इस टाइप की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस। तो इसी टाइप की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके बोर्ड में आ सकती है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो, ये टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, श्योरली आई विल सॉल्व इट, कोशिश करूँगी मैं पूरी कि टाइम निकाल के आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ।
और जो भी डाउट है उसके लिए अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं हुई तो एक बार पॉज करके फिर से आप सुन लीजिए। क्वेश्चंस इजी हैं तो टेंशन मत लेना, आप आराम से कर सकते हो। बस आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है कि mu is equal to px है या फिर mu x upon px is equal to mu m है। दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन पूरी होती है तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। अगर कहीं पर भी आपका mu x ज़्यादा आ रहा है प्राइस से, मतलब यूटिलिटी हमें ज़्यादा मिल रही है प्राइस के अकॉर्डिंग, प्राइस से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, तो याद रखना कंजप्शन इंक्रीज होता है, हम उस चीज़ को और ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है। और अगर mu x प्राइस से कम है, हमें प्राइस से कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हम उस चीज़ को कंज्यूम करना कम कर देंगे या कंज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर mu x आपका px है तो ये कौन सी कंडीशन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो बस यही चीज़ आप याद रखिए, अगर आप इन्हीं चीज़ों को याद रखेंगे तो क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये अपनी दो कंडीशंस को याद रखिए कि सिंगल कमोडिटी केस में क्या कंडीशन थी, उन्हें याद रखिए और इजीली आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने प्रैक्टिकल सॉल्व की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट वीडियो आगे फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए भी इतना ही, इकोनॉमिक्स के फियर को हटा दीजिए, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।